उनकी तरफ से JK24 से जुड़ चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिल्पा शर्मा। बेहद ही दुखद समाचार सामने आ रहा है, जहां पर DSP रैंक एक अधिकारी की जो है वो एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। जहां पर इस समय आप देखिए SHO बस स्टैंड इस समय जो है वो मौके पर मौजूद है, जहां पर बीती रात ये एक्सीडेंट जो है वो पेश आया है और DSP रैंक एक अधिकारी की जो है वो मौत हो चुकी है। पूरी तरीके से जायजा लेने के लिए इससे पहले SSP विनोद कुमार और साथ ही साथ DIG भी यहाँ पर जो है वो पहुंचे थे और इस समय जो है वो SHO बस स्टैंड यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर पूरी तरीके से जायजा जो है वो लिया जा रहा है कि किस प्रकार से ये एक्सीडेंट जो है वो पेश आया है। बेहद ही दुखद समाचार है और कारण क्या कुछ रहा, जो सोर्सेज के हवाले से कारण सामने आ रहा है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल आप ये साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं, जहाँ पर पुलिस जो है यानी कि पूरा जायजा लेने के लिए इस वक्त यहाँ पर पहुंची हुई है और SHO बस स्टैंड जो है वो यहाँ पर मौके पर मौजूद है और पूरी तरीके से जायजा जो है वो लिया जा रहा है। बेहद ही दुखद है, DSP रैंक के अधिकारी जिनकी जो है वो मौत हो चुकी है। CCTV फुटेज जो है आप देखिए, यहाँ पर जो है CCTV फुटेज खंगाला जा रहा है। साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं, CCTV फुटेज को यहाँ पर जो है वो खंगाला जा रहा है। CCTV फुटेज को पूरी तरीके से खंगाला जा रहा है, चेक किया जा रहा है कि आखिरकार किस प्रकार ये बाइक है, वो आगे स्केटर ही है। ग्यारह से बारह और स्पीड ब्रेकर की वजह से अनबैलेंस हो गया। बहुत ही होते मैडम, पहले भी देखे किसी ऐसे होते। स्पीड ब्रेकर पर ना कोई हाईलाइट है, ना कोई लाइट है, ना कुछ है, रोज कुछ ना कुछ। अभी एक लेडी परसों आई थी, उनका 3 बजे कोई बच्चा गिरा था रात को, उसको कोई फोन भी उठा के ले गया। अच्छा, वो रिकॉर्डिंग लेने आए तब लाइट बंद थी, रिकॉर्डिंग नहीं हुई उसकी, बस यही। बहुत बहुत शुक्रिया। तस्वीर आपने CCTV फुटेज आपने साफ तौर पर देखी, जहाँ पर CCTV फुटेज में ये साफ तौर पर जो है वो दिखाया गया है कि किस प्रकार से जो है वो एक्सीडेंट पेश आया, यानी कि स्पीड ब्रेकर की वजह से जो है ये हादसा पेश आया है। और तस्वीर भी आपने देखी जो CCTV फुटेज में साफ तौर पर नजर आई कि स्पीड ब्रेकर, ये वो स्पीड ब्रेकर है, इस स्पीड ब्रेकर की वजह से यानी कि अनबैलेंस हो गया, जिसके चलते DSP रैंक के अधिकारी जिनका नाम प्रशांत शर्मा है उनकी जो है वो मौत हो गई। ये साफ तौर पर तस्वीरें आप देख सकते हैं, स्पीड ब्रेकर की वजह से जो है ये हादसा एक्सीडेंट जो है वो पेश आया है, जो कि बेहद ही दुखद है। इस स्पीड ब्रेकर की वजह से, ये जो स्पीड ब्रेकर यहाँ पर बनाया गया है, बहुत बड़ा ये स्पीड ब्रेकर है और इस स्पीड ब्रेकर की वजह से ये हादसा जो है वो पेश आया है, जहाँ पे DSP रैंक के अधिकारी की जो है वो मौत हो गई। कमेंट सेक्शन पर आत्मा की शांति के लिए दुआ जरूर कीजिएगा। बेहद ही दुखद है, आप देखिए कि स्पीड ब्रेकर की वजह से जो है ये हादसा, सड़क हादसा जो है वो पेश आया है। DSP रैंक के अधिकारी की जो है वो मौत हो गई है और तस्वीरें 11 से 12 बजे के करीब यानी कि 11:17 पर जो CCTV फुटेज में टाइमिंग आई है वो 11:17 है। 11:17 के करीब जब गाड़ी यहां से गुजरती है तो वो सड़क हादसे का शिकार होती है। वो मोटरसाइकिल पे सवार थे, जहां पर जैसे ही स्पीड ब्रेकर पे पहुंचते हैं
अनबैलेंस हो जाता है और अनबैलेंस होने की वजह से वो सड़क हादसे का शिकार हो जाते हैं। डीएसपी जो कि एक यानी कि डीएसपी रैंक की अधिकारी जिनका नाम जो है वो प्रशांत शर्मा बताया जा रहा है, और कल रात को उनका हादसा हो गया जिसको लेकर तहकीकात करने के लिए यहाँ पर एसएसपी विनोद कुमार, डीआईजी भी यहाँ पर पहुंचे थे और भी जो है पुलिस की टीम यानी कि नवाबाद पुलिस स्टेशन के एसएचओ भी यहाँ पर पहुंचे थे और भी पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुंचे थे, और साथ ही साथ एसएचओ नवाबाद पुलिस स्टेशन एसएचओ बस स्टैंड भी यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला और सीसीटीवी फुटेज में ये सामने आया कि इस स्पीड ब्रेकर की वजह से जो है वो सड़क हादसा पेश आया है, जो कि बेहद ही दुखद है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन पर आत्मा की शांति के लिए दुआ जरूर कीजिएगा। कैमरा पर्सन श्यामा थापा के साथ शिल्प शर्मा, जम्मू।